आजम खान हमारे साथ मौजूद। पहला सवाल कौन करेगा भाई? आजम भाई, तनकीद हो रही है कि आपने जो है पहले इस विकेट पे मैचेस खेले हुए हैं और पहले बारियां ले लेके आपने लंबे स्कोर बनाए और फिर आसानी से पॉइंट्स जो हैं वो गेन कर लिए। इस मरतबा आपने जो है वो ना सिर्फ ये कि पहले बॉलिंग की बल्कि आपने अपना जो स्पिनर था जो परफॉर्म कर रहा था उसको बिठा के दूसरे स्पिनर को मौका दिया। देखिए, क्रिकेट के अंदर टॉस की इतनी अहमियत वैसे नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये है कि चूँकि ये पिच मुझे ज़रा जो पुरानी जो प्रीवियस दो पिचेस थी उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ नज़र आ रही थी और इसमें घास ज़्यादा नज़र आ रहा था, और दूसरी ये कि उसको हमने यूटिलाइज़ करने की कोशिश कर रहे थे। दो मैचेस में हमने पहले बैटिंग कर चुके थे, तो मैं ये चाह रहा था कि मेरे बॉलर्स जो हैं वो इन कंडीशंस पर पहले बॉलिंग करके भी देखेंगे वो कैसी बॉलिंग करते हैं इन पिचेस के ऊपर, उसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली वो जो एक डेढ़ घंटा था वो सीम स्विंग सारा कुछ होता रहा, लेकिन उसको उसका एडवांटेज इतना नहीं उठा सके हम लोग, जिसकी वजह से खैर वो बाद में इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं हो सकी। तो उन्होंने बैटिंग बहुत अच्छी की, और दूसरा ये कि क्योंकि उनके पांच लेफ्ट हैंड बैट्समैन खेल रहे थे, तो उसको देखते हुए मैंने क्योंकि तीन मैचों से मुसलसल लगातार बड़ी लंबी लंबी बॉलिंग कर रहे थे, तो उसकी वजह से मैं उनको थोड़ा सा रेस्ट भी देना चाह रहा था। और ऑफ स्पिनर जो है वो यंग हम उसको लेकर आए थे कि छः खब्बे हैं तो उनको ज़्यादा इफेक्टिव होगा उनके अगेंस्ट जो अगर हम ऑफ स्पिनर खिलाएंगे, तो इसलिए उनको खिलाया था। आजम भाई, अगर हम दूसरी टीमों का देखें तो उन्होंने भी स्लो स्टार्ट लिए लेकिन बाद में जाके उनके बैट्समैन ने रन रेट को पिकअप किया, लेकिन सिंध की टीम देख रहे हैं चार मैचेस हो गए अभी तक उसी स्ट्राइक रेट के साथ खेल रही है, हालांकि पीसीबी ने बोनस पॉइंट भी रखे हुए, इस हवाले से कोई प्लानिंग की है? देखें, बिल्कुल प्लानिंग की है और हमने हर मैच के अंदर इम्प्रूव किया है। और दूसरी बात यह कि शायद एक टीम है जिसने शायद पाँच पॉइंट लिए हैं अब तक बैटिंग के, उसके अलावा हमने भी चार चार दफ़ा दो दफ़ा चार चार पॉइंट लिए हैं। तो 350-110 ओवर के अंदर हम चूँकि अनफॉर्चुनेटली ऐसी ग्राउंड्स के ऊपर ज़्यादा खेले हैं जहाँ पर आउटफील्ड स्लो होती है और पिच बहुत डेड है और आउटफील्ड बहुत स्लो है, तो उसकी वजह से ये स्कोर इतने नहीं हुए। जो तेज़ ग्राउंड होगा उसमें आप देखेंगे कि इंशाल्लाह पाँच पॉइंट भी लेंगे। आजम भाई, अभी तक कोई खास परफॉर्मेंस आपके बॉलर्स की नज़र नहीं आई है, अनवर अली बाहर बैठे हुए हैं, उनकी अभी तक उन्होंने जो है वो कोई मैच नहीं खेला, तो मीर हमजा की भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आ रहा कि टेस्ट क्रिकेटर हैं, तो इस बारे में आपका क्या? देखिए, बॉलर्स को हमने यही देखना है, यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस बॉलर का भी चेक करना है। जैसा कि आप सबको पता है कि ये बैटिंग डोमिनेटिंग पिचेस हैं, बैट्समैनों को ज़्यादा हेल्प कर रही हैं पिचेस, तो इसमें बॉलर्स का भी पेशेंस देखना होता है। अब दो तीन मैच खेल के थोड़ा सा स्टिफ हो गए हैं बॉलर्स, थोड़ा ड्रेन आउट हुए हैं, तो अब कोशिश यही कर रहे हैं कि ऐसी सिचुएशंस जब आएंगे उनको डील कैसे किया जाएगा, यही चीज़ें उनको यहाँ पे सीखनी और सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये कि चैनल बॉलिंग करेंगे, नेक्स्ट मैचेस के अंदर बेहतर परफॉर्मेंस करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा आजम भाई, 550 विकेट्स ले लिए एक बंदे ने, ताबिश ने, आपके प्लेयर ने, अभी तक पाकिस्तान टीम के लिए नहीं खेले, तो आप क्या रेकमेंड करेंगे मिसबाह उल्हक को, क्योंकि आपकी आप सारे कोचेस की बात होती रहती है मिसबाह से, तो आप उनको क्या रेकमेंड करेंगे ताबिश खान को के लिए फॉर ऑस्ट्रेलिया सीरीज़? देखिए, वो मिसबाह हमसे ख़ुद हर मैच के बाद बड़े डिटेल में हर प्लेयर के बारे में बात करते हैं, तो उनसे डेफिनेटली हर प्लेयर के बारे में बातचीत हो रही है, इनकी भी परफॉर्मेंस उनकी नज़र में है, तो जैसे भी होगा जो भी बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी हर प्लेयर को मिलेगी इंशाल्लाह। नहीं, आप खुद से रेकमेंड करेंगे उनको? देखें, वो तो हम हर प्लेयर के हवाले से कर रहे होते हैं, ये मेरी टीम का प्लेयर है, हम खुद हर प्लेयर के हवाले से कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें देखनी होती हैं कि कौन इस लाइनअप में है, क्या एज ग्रुप के हवाले से कौन क्रिकेट खेल रहा है, यंगस्टर्स कितने हैं जो आगे हम उनको प्रमोट कर सकते हैं जिनका फ्यूचर पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारी चीज़ें जहन में होती हैं जिनको नेशनल लेवल के ऊपर डिस्कस करते हैं फिर हम। थैंक यू वेरी मच।